सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है जगदीश भार के। आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्टेज बना के तैयार करके दिखाने वाले हैं। इस स्टेज में कितना रुपए का कपड़ा लगेगा, कितना फ्लावर लगेगा, क्या साइज है, आप किस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हो, टोटल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि कुछ वीडियो शॉर्ट रहते हैं, उसमें समझ में नहीं आता है। बैकड्रॉप इसका तैयार कर लिया गया है। बैकड्रॉप जो तैयार किया गया है, मतलब जो पीछे ट्रस बीम पिलर, जो भी नाम से आप जानते हो, कमेंट करके बता दीजिएगा जिससे हम अगले वीडियो में आपको बता सकें। उसको पीछे खड़ा किया गया है, जो ट्रस पिलर बोलते हैं, 12x45 का है। 12x45 मतलब 45 फीट लंबा है, 12 फीट खड़ा हुआ है। तो पीछे भी आप देखिए, जैसे जॉइंट रहता है, 45 फीट लंबा तो आप सीधा नहीं रख सकते, उसके लिए बीच में जॉइंट है। और हम सीधा सीधा इस पर पर्दा गिराने लगे हैं। पर्दा मतलब 12x15 का, आप अपने हिसाब से साइज देख लीजिए किस तरीके का आपका साइज में आप स्टेज बनाते हैं, उस हिसाब का पर्दा बनवा लीजिए और सीधा बैकड्रॉप में इसको लगा दीजिएगा। हम जो स्टेज बना रहे हैं उसका कॉपी करने के लिए आपको बताने वाले हैं। आप अदर भी स्टेज बना सकते हो इस तरीके का। इस तरीके से पूरा पर्दा लग जाएगा बैकड्रॉप पे, उसके बाद नीचे से टेंट वाले पाइप से टाइट कर दिया जाता है। अभी आप सामने देखिए, बैकड्रॉप तैयार कर लिया गया। उसके बाद सामने की तरफ जो ट्रस का उपयोग करके हम सामने एक स्टेज का जो फ्लावर लगता है उसको तैयार करने वाले हैं। और ओरिजिनल फ्लावर के बारे में भी आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। ओरिजिनल फ्लावर का भी बीचों बीच एक 8x8 का स्ट्रक्चर लगेगा, जिसमें ओरिजिनल फ्लावर अपना रोज़ और रजनीगंधा, जो जो फ्लावर यूज़ कर सकते हैं वो सभी ओरिजिनल फ्लावर का भी यूज़ किया जाएगा। वो भी कैसे लगाया जाता है ओरिजिनल फूल, वो भी बताया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए। अभी वो ट्रस कसा गया है सामने जो भी तरफ, जो 44 फिट का है, मतलब 12x40 का है। ये भी पीछे की तरफ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इस सामने की तरफ ये कम रहेगा। इसे वो कैसे उठाने वाले हैं और किस तरीके से इसे डेकोरेट किया जाएगा, पूरा सब कुछ इस जानकारी इस वीडियो में रहेगा। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो रोटो कपड़ा है गाइस। रोटो कपड़ा आप सामने देख सकते हो, 4-5 काम कीजिए उसके बाद इसको अलग कर दीजिए। इसकी कीमत की अगर बात करें, 14-15 रुपये हमारे यहाँ के मार्केट में मिलता है। आप अपने यहाँ के मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। रोटो कपड़ा ईजली अच्छे वर्क और फिनिशिंग के लिए किया जाता है, और नए से नए कपड़ा यूज़ किया जा सके इसलिए किया जाता है। अभी देखिए, पूरा ट्रस इतना लंबा तैयार किया गया है, इस पर पूरा फॉर्म लगने लगा है। फॉर्म जो आप सामने देख रहे हैं, ये फॉर्म ईजली टेंट वाले गद्दे में यूज़ किया जाता है, वही फॉर्म रहता है। 20-25 mm, 30 mm, अपने हिसाब से आप अपने एरिया के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें फ्लावर लगाया जाता है, पत्ता लगाया जाता है, मेपल पत्ता का यूज़ किया जाता है। Thank you.
मेपल पत्ता लग जाने के बाद आप सामने देख सकते हो गाइस, अभी जो ट्रस पूरा तैयार हुआ है उसको इस तरीके से खड़ा किया जाता है। दो लोग पीछे रहते हैं, दो लोग आगे रहते हैं, और इस तरीके से पूरा इस पर वजन ना पड़े, खसके ना, इसके लिए इसे इस तरीके से खड़ा किया जाता है। सामने आप देखिए, अभी इसको पीछे की तरफ उठाने के लिए एक तरफ से पहले उठाया जाता है, दूसरी तरफ से बाद में। इस तरीके से पूरा सपोर्ट उठा के अच्छी तरीके से किया जाता है, क्योंकि हैवी स्ट्रक्चर रहता है। ये सब चीज़ें आपको आसानी पूर्वक देखने में लगती हैं, उस तरीके से काम करते टाइम आपको पता लगता है किस तरीके से हैवी स्ट्रक्चर रहता है। जो लोग टेंट डेकोरेशन का काम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आना चाहते हो, आप अपने यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो, छोटे छोटे स्टेज, गेट, गैलरी, मंडप बना के, पंडाल बना के, तो वो हमारे यहाँ पे आकर ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पे इस तरीके का पूरा काम चालू कर सकते हैं, और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है गाइस। आप एक साल के बिजनेस के साथ दूसरे साल में आप अच्छे खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, लाखों रुपए के महीने का कमाया जा सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से किया जाता है, कैसे काम रहते हैं, और जो लोग अभी काम करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे और भी अच्छे तरीके का काम सीखना चाहते हैं आकर, तो ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। ट्रेनिंग 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है। उसका फ़ीस वगैरह का सभी इन्फॉर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर आपको सामने मिल जाएगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और सब कुछ जानकारी उसमें बता दिया जाएगा। 1 जुलाई से ट्रेनिंग चालू है, उसमें आप आकर जो हम काम करते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस हैं, उस तरीके का काम सीख सकते हैं आकर, और रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री रहती है उसमें। जो फीस रहेगा वो उनका इन्फॉर्मेशन के लिए आप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आप सामने देख सकते हो, ऊपर की तरफ हैंगिंग का जो रहता है बिस्टेरिया, उसके द्वारा हैंगिंग की जाती है, मतलब ऊपर सीलिंग बना के तैयार किया जाता है। आप अपने यहाँ पे हो सकता है अलग नाम से जानते हो, बिस्टेरिया रहता है। आप थोड़ा सा नया बिस्टेरिया यूज़ कर सकते हो, रस्सी वगैरह, चिंदी की जगह रस्सी का यूज़ कर सकते हो, सभी तरह पर अलग अलग हो सकता है। बाकी थोड़ा सा इस तरीके से पूरा हैंगिंग वगैरह किया जाता है। जो भी आप बड़े से बड़े प्रोफेशनल या छोटे से छोटे काम देखते हैं, तो ऊपर रस्सी के द्वारा ही हैंगिंग करके इस तरीके का सीलिंग बना के तैयार किया जाता है। जो हमने विस्टेरिया का यूज़ करके हैंगिंग किया है, ऊपर सीलिंग बनाया, उसके ऊपर से रोटो कपड़ा जो रहता है उसका ऊपर से सीलिंग बना के इसको पैक कर दिया जाता है, जिससे इसमें ऊपर की तरफ पूरा पैकिंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाता, वो पूरा सीलिंग जो रहता है पैक हो जाता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो एक पैनल आता है लाइट वाला, जिसमें फॉर्म कस दिया है, उसके बाद इसमें मैपल पत्ता और ऑर्किड लगा दिया गया है, और इसमें नाइट का व्यू काफ़ी अच्छे आने वाला है। नाइट का एक वीडियो फुटेज आप देख सकते हो, और वीडियो के एंड में भी सब कुछ दिया गया है, तो वीडियो एंड तक देखते हो सब कुछ समझ में आएगा। इसको पीछे देखिए, इस तरीके से रस्सी के द्वारा लटका दिया जाता है, इसका लाइट कनेक्शन कर दिया जाएगा, और सीधा इसे नाइट में देखिए कितना अच्छा व्यू आएगा। एक फ़ोटो फ्रेम आता है फाइबर का, उसका भी यूज़ देखिए सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे लटका दिया जा रहा है, उसमें सीधा सीधा जो फ्लावर आता है उसको लगाया गया है। अभी देखिए यहाँ पर झूमर लगने लगा है, ये देखिए झूमर भी आप सामने देख सकते हो किस तरीके से लगाया जाता है। इसके लिए आप चाहें तो रस्सी का या फिर रॉड के कुंदे का यूज़ कर सकते हो लटकाने के लिए, और वायर वगैरह जो रहता है गाइस सीधा कनेक्शन किया जाता है, और नाइट का व्यू बहुत काफ़ी खूबसूरत आता है इसका, जो थोड़े से अट्रैक्टिव और आकर्षक बनाते हैं आपके डेकोरेशन को। इसके लिए कुछ लाइट्स वगैरह का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए एक लाइट वाला पैनल है, उसमें ग्रीन वाला जो मैट आता है उसका यूज़ किया जा रहा है पीछे की तरफ कसने के लिए, और सीधा सीधा इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लुक आता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। GI तार के थ्रू इसे कस दिया जाता है, लगभग बहुत ज़्यादा GI तार का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन में। कपड़ा, फ्लावर, कुछ भी कहीं पे भी आप किसी चीज़ को बांधना है, कसना है, उसके लिए तार का यूज़ किया जाता है। अभी आप देख सकते हो
तार के थ्रू इसको कस दिया गया है, और साइड में भी तार के थ्रू इसे कसा गया है, और साइड भी ग्रीन मैट को भी इसी से कसा जा रहा है। अभी हम आपको आगे बताते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। और भाई अटका हुआ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था गाइस, यहाँ पर कसने लगे हैं, जो कि आपको सामने देखने को मिल जाएगा। आठ बजे आठ का स्ट्रक्चर यहाँ पे कस जाएगा, जिसमें हम जो ओरिजिनल फ्लावर थे वो लगाने वाले हैं। रोटो कपड़े का यूज़ किया जा रहा है। आठ बजे आठ का ट्रस पिलर का यहाँ पे कस लिया गया, उसके बाद इसमें रोटो कपड़ा लगा दिया जाएगा और उस पर ऊपर से फ्लावर लगाया जाएगा। जो ओरिजिनल फ्लावर आता है रजनीगंधा और रोज़, उसको कैसे लगाना है वो आपको आगे जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अभी आप सामने देख सकते हो गाइस, हमने जो स्ट्रक्चर कसने के बाद उसमें फॉर्म लगा लिया, उसके बाद उसमें पत्ती लगने लगा है, जो कि आप सामने देख सकते हो। ये सब नेचुरल फ्लावर है, ओरिजिनल फ्लावर है, मतलब नेचुरल पत्ती है, ओरिजिनल फ्लावर भी लगेगा। नेचुरल मतलब कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं रहता है उसका यूज़ किया गया है, यहाँ पर टोटल ओरिजिनल चीज़ यूज़ की जा रही है इसमें। अभी देखिए किस तरीके से इसे लगाने लगे हैं, उसके बाद उसमें फ्लावर और लगाया जाएगा, वो सब कुछ कैसे लगाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में आ सकते हो। ट्रेनिंग बोले तो किस तरीके से काम करना है, कैसे क्या करें, कितना लागत आएगा, कैसे आपको चालू करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में आ सकते हो। नंबर आपको सामने मिल जाएगा। थर्ड बैच 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है गाइस। अभी आप सामने देखिए, यहाँ पर जो फ्लावर है उसमें लकड़ी जो आता है झाड़ू का, उसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्म उसमें कसा है वो फॉर्म अपना जो ओसिस गद्दे का आता है उसका यूज़ किया है, लेकिन ओरिजिनल फ्लावर के लिए अलग फॉर्म आता है उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने इसका ही यूज़ कर किया है, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेशन ओरिजिनल फ्लावर का नहीं था, इसलिए हमने एक 8x8 के ट्रस को लगाने के लिए थोड़ा सा यही फॉर्म यूज़ किया है। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ओरिजिनल फ्लावर को इस तरीके से लगाने लगे हैं लकड़ी से, और उसके बाद सीधा सीधा उसमें लगा दिया जाएगा, वो भी आप आगे देख लीजिएगा किस तरीके से लगाना है, ये सब चीज़ें कैसे क्या करना है। ट्रेनिंग में जुड़िए, उसमें सीखिए किस तरीके से सब कुछ चीज़ें किया जा सकता है। आप अपने यहाँ पर इस तरीके का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं गाँव में शहर में, ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, और जो लोग अभी कुछ बिजनेस की आइडिया लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि बिजनेस करें, तो आप हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में जुड़कर ये बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर सीखकर अपने शहर में ये सब कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए पत्ती वगैरह इसमें लगने लगा है, उसके बाद इसमें फ्लावर लगाया जाएगा। अभी इसमें देख सकते हो रोज जो फ्लावर आता है उसका यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद वहाँ की फ्लावर और लगाए जाएंगे। सामने देख सकते हो पत्ती लग जाने के बाद इसका यूज़ किया जा रहा है, इस तरीके से ये फ्लावर को लगाया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वर्क रहता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आर्टिफिशियल फ्लावर का आप यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल फ्लावर जो रहता है ओरिजिनल, उसका काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग और काफ़ी अच्छे और तरीके से काम किया जाता है। सामने आप देखिए किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है गाइस। सो फाइनली हमारा जो फ्लावर है लग के रेडी हो चुका है। इस तरीके का पूरा सेटअप देख सकते हो सामने, पूरा फ्लावर इसमें लगा दिया गया है, जितना भी फ्लावर
प्रकार में हमारे पास फ्लावर था सब कुछ यहाँ पे लगा दिया गया है। इसको सीधा स्टेज पे सेट कर लिया गया है और इसका नाइट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का पूरा स्टेज लगने वाला है गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ऐसा वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लेके आते हैं जिसमें हम आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं और सिखाते हैं। जो लोग इस तरीके का काम करना सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली जैसे ये काम किया है तो आप स्वयं कर सकते हो, हमारे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग में जुड़िए और सब लोग आकर सब कुछ सीख सकते हैं। इसका फीस वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ट्रेनिंग में आकर सब कुछ जानिए। ये सर स्टेज का जो डेकोरेशन चार्ज है गाइस नॉर्मली 50,000 रुपये है। कपड़ा जो फ्लावर है वो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का यूज़ करना है और इस तरीके का पूरा स्टेज बन के तैयार हो जाएगा। पार लाइट आपका इसमें 40 पार लाइट लगने वाला है।